जी स्टूडेंट्स असा आने चाहता फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक ते फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के असा बो चाहता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो प्रीवियस क्लासेस में आम दफा पढ़ी आया जन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनके चबो आज स्टेटमेंट जो है सिंपल कड़ी थी दैट इज दी एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी डिस्ट्रॉयड but it can be changed from one form to another form theek hai energy na create thi sake thi na destroy thi sake thi sirf aur sirf energy ikde form ma be form mein change thi sake thi बाकी असाई एनर्जी क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय को सके ये कदें भी को अस पंज जोल एनर्जी आ पंजन जोल एनर्जी में अस कन्वर्ट क्यों सत जोल ऑफ एनर्जी में दैट इज़ इम्पॉसिबल मैं एनर्जी सिर्फ छा थी ट्रांसफर थी अच्छा जैकें ये आस इनके हे भी लिख सकूँ था टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्स्टंट यूनिवर्स में जहाँ टोटल एनर्जी होंगी कॉन्स्टंट ही होंगी छो तो न को एनर्जी डिस्ट्रॉय भी थे न को एनर्जी क्रिएट भी थे तो जहाँ टोटल एनर्जी यूनिवर्स होंगी कॉन्स्टंट होंगी यानि यूनिवर्स में वरी अची सिस्टम एंड प्लस सराउंडिंग यानि जो अमाउंट सिस्टम एनर्जी लॉस क एग्जैक्टली ओतरो अमाउंट सराउंडिंग एनर्जी गेन कह या जो अमाउंट सराउंडिंग लॉस कह ओतरो सिस्टम गेन कह टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम ये भी लिख सकूँ था टोटल सम ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट टोटल जो सम हों सिस्टम एंड सराउंडिंग एनर्जी कॉन्स्टेंट हों या चूँ टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट अना अस इन बे तरीके से भी चई सकूँ था तो टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट छो तो जो आइसोलेटेड सिस्टम न एनर्जी सराउंडिंग में लॉस कह न गेन कह जैसे सिस्टम असान हो आइसोलेटेड तो भले केतरो भी टाइम गुजरी वे जो बाहर लॉस या गेन नो करे तो सिस्टम की हमेशा एनर्जी सागी रही टोटल एनर्जी सागी रही यानि एनर्जी न क्रिएट थी न वरी डिस्ट्रॉय थी जैसे असो थर्मोडायनामिक सिस्टम सिस्टम कड़ो हो थर्मोडायनामिक हाँ थर्मोडायनामिक सिस्टम में तो असाई जो मैथमेटिकली अस जैसे असूँ तो मैथमेटिकली असा तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिस्टम की जो होंगी डेल्टा ई वह होंगी बिन शन जो सम क्यू ए डब्ल्यू जो ठीक है हाँ हि है एक्चुअल असाजी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक जी इक्वेशन हाँ ऐसो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक चे तो न एनर्जी सिस्टम में क्रिएट थी न डिस्ट्रॉय थी जहाँ उनमें पुट कह ओतरी इंक्रीज थी जेतरा एनर्जी उन में बाहर कढ़ ओतरी उनकी इंक्रीज या डिक्रीज थी हाँ थर्मोडायनामिक जो सिस्टम आ उनमें अक्सर जो हीट जो एनर्जी चेन थी वह बिन सबबन के या तो हीट के करे या तो वर्क के करे या तो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व कह या तो सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम खुद वर्क कह या सिस्टम के मथा वर्क इन बिन्हीं सबबन के करे उनकी एनर्जी चेन थी तो हाँ हि एक्चुअली लॉ चे तो जेतरी एनर्जी तुम पुट कह इन में जो सिस्टम में वो हीट के फॉर्म में हो जाए वर्क के फॉर्म में हो जाए ओतरी एनर्जी उनकी चेन थी न एनर्जी डिस्ट्रॉय थी न प्रोड्यूस थी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी उन इंक्रीज या डिक्रीज को
जेका तव्हां पुट कई उहा असां जेका पुट कंदा आहियूं उहा क्यू जे फॉर्म में ऐं वर्क जे फॉर्म में. हाणे डेल्टा ई माना चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज सम ऑफ, असां हिन खे ईअं बि लिखी सघूं था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ चेंज इन इंटरनल एनर्जी माना टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज सम ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन आर बाय द सिस्टम. यानी सिस्टम ते जेको वर्क थिए थो या सिस्टम खुद वर्क करे थो ऐं हीट जेको सिस्टम एब्ज़ॉर्ब थो करे ऐं हीट जेका इवॉल्व थो करे, इन ॿिन्ही जेको सम हूंदो उहो छाजे बराबरि हूंदो, सिस्टम जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जे बराबरि हूंदो, यानी डेल्टा ई हूंदी. ठीकु आहे, डेल्टा ई हूंदी चेंज इन इंटरनल एनर्जी. हाणे ॾिसो हिन में ॿ केस आहिनि. पहिरीं ॻाल्हि त हिते जेको डब्ल्यू आहे उहो मोस्टली प्रेशर वॉल्यूम वर्क आहे ऐं हिते आहे पी डेल्टा वी आहे एक्चुअली. इनजी जॻह ते असां पी डेल्टा वी बि असां लिखी सघूं था, डब्ल्यू लिखूं या पी डेल्टा वी लिखूं. हाणे त ॿ केस आहिनि. ठीकु आहे, एक्चुअली या त मां हीअं लिखां त डेल्टा ई जेका आहे असांजी जेका डेल्टा जेका ई आहे इहा छाजे बराबरि थी वई, क्यू प्लस डब्ल्यू लिखूंसि या प्लस जेको आहे पी डेल्टा वी लिखूं, हीअ थी वई हिनजो सम. हाणे हिते जेको क्यू आहे ही क्यू जेका आहे उहा हीट एब्ज़ॉर्ब थी सघे थी. जेकॾहिं हीट एब्ज़ॉर्ब्ड बाय द सिस्टम त क्यू छा हूंदी, क्यू विल बी असांजी जेको आहे सो पॉज़िटिव हूंदी, माना क्यू जी जेसि पॉज़िटिव थी सघे थी. जेकॾहिं असांजी हीट इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम थिए, हीट इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम, सिस्टम ख़ुदि हीट इवॉल्व थो करे त छा हूंदी, माइनस क्यू. यानी हिते जेका क्यू आहे इन जी साइन प्लस बि थी सघे थी त इन जी साइन माइनस बि थी सघे थी, उहो हिन क्यू जी. अच्छा, हुन खां बाद में आहे प्रेशर वॉल्यूम वर्क. प्रेशर वॉल्यूम वर्क लाइ बि सिचुएशन छा आहे, सेम आहे. प्रेशर वॉल्यूम वर्क बि जेकॾहिं हूंदो वर्क डन बाय द सिस्टम, जेकॾहिं ख़ुदि सिस्टम वर्क थो करे पोइ छा हूंदो, माइनस पी डेल्टा वी. जेकॾहिं हूंदो वर्क डन ऑन द सिस्टम हूंदो, ऑन द सिस्टम हूंदो त पोइ हूंदो प्लस पी डेल्टा वी. माना ॿई कंडीशन्स मौजूदु आहिनि. ठीकु आहे, हाणे मिसाल तव्हांखे चयो थो वञे, मिसाल सां चयो थो वञे, इफ द सिस्टम या सम अमाउंट ऑफ if the some amount of heat is absorbed by the system, yani cha some heat is absorbed by the system mana plus q and system does work, system khud work karo mana cha minus w, then according to first law of thermodynamic, first law of thermodynamic je mutabik cha thindo, iso asa condition kedi apply kaya che to ekro system a je ko system khud cha to kare heat absorb to kare, mana heat absorb to kare system me put tha kyun cha thindo plus q, ऐं सिस्टम वरी ख़ुदि वर्क थो करे, सिस्टम ख़ुदि वर्क कंदो त माना छा हूंदो, माइनस डब्ल्यू. त हाणे हीअ कंडीशन आहे, जेकॾहिं इहा कंडीशन हूंदी त पोइ फस्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इक्वेशन कीअं हूंदी, डेल्टा ई बराबरि थींदो क्यू, क्यू पॉज़िटिव आहे ऐं माइनस डब्ल्यू, या असां लिखंदासीं डेल्टा ई विल बी इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी. हाणे असांजे किताब में फस्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इक्वेशन हीअ लिखियलु आहे माइनस में, जंहिंमें डब्ल्यू छा आहे, माइनस में आहे. ज़रूरी न आहे त डब्ल्यू माइनस में हुजे, इहा हिकिड़ी कंडीशन आहे.
केड़ी कैंजी कंडीशन आ ओ हन केस की कंडीशन आ हन केस की कंडीशन आ जदे सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करे सिस्टम खुद वर्क करे जदे सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करे सिस्टम खुद वर्क करे तो पो ही होंदी पर जेकरे मान लिखा इफ द हीट इज एब्जॉर्ब बाय सिस्टम हीट इज एब्जॉर्ब बाय सिस्टम सिस्टम हीट एब्जॉर्ब तो करे एंड सम and some work is done on the system some work is done on the system ae system je matha kuch work the to mana condition kedi ja ya system heat absorb to kare mana q absorb to kare ae system te work to the mana plus w yani p delta v cha hai plus cho to system mein energy add tha kyun heat form mein bhi work je form mein bhi तो पो छा थींदो पो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ पो इक्वेशन के थी वेंदी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मतलब डेल्टा ई बराबर थी वेंदी क्यू भी प्लस थी वेंदो डब्ल्यू भी प्लस थी वेंदो यानी क्यू प्लस पी डेल्टा वी तो लिहाजा क्यू यानी असा जैसे जनरल इक्वेशन लिखूँ डेल्टा ई बराबर एक्चुअली छा है प्लस माइनस क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू आ ही जो एक्चुअल इक्वेशन आ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की जैमें असो ही जो साइंस प्लस भी थे माइनस भी थे हि भी प्लस भी थे माइनस भी थे डब्ल्यू जगह पी डेल्टा भी लिख तो लिहाजा हाँ जैसे हि माइनस हों माइनस अची वी जैसे प्लस हों प्लस अची वी बई कंडीशन्स असो पर असा किताब में ही लिखल आ पर जैसे स्टूडेंट्स के चयन वा हि इक्वेशन चवंदा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हि इक्वेशन ना हि हालांकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हि भी इक्वेशन आ छो तो हन में सिर्फ जो आसो असो जो आसो कंडीशन जो आसो चेंज आ यानी डेल्टा ई ठीक है अच्छा उन बाद में असा अचूँ ब प्रोसेस असो प्रोसेस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वॉल्यूम कॉन्स्टेंट क्यों माना इन प्रोसेस के असा करें करें आइसो कोरिक प्रोसेस माना जैसे प्रेश वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो वॉल्यूम माना जैसे तुम रिएक्शन करायो कें कंटेनर में रिएक्शन तुम करायो कंटेनर में पर उन रिएक्शन उन जो जो पिस्टन हुए मूवेबल न हो पिस्टन छा हो फिक्स हो पिस्टन छा हो फिक्स हो फिक्स हों पिस्टन तो वॉल्यूम छा थींदो फिक्स तो वॉल्यूम तो होंदो वॉल्यूम तो होंद पर डेल्टा वी छा थी जीरो थी हाँ माना इन मतलब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम माना डेल्टा वी छा थी जीरो डेल्टा वी जीरो तो पो ही टर्म पी डेल्टा वी वारो टर्म छा थी जीरो माना वर्क छा थी जीरो वर्क छा थी जीरो छो तो जैसे वॉल्यूम फिक्स आ तो वर्क डन बाय द सिस्टम भी कोन थे वर्क डन ऑन द सिस्टम भी कोन थे पो जेका असांजी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डेल्टा ई बराबर होंगी क्यू प्लस पी डेल्टा वी हाँ पी डेल्टा वी वारो टर्म तो छा थी चुको आ जीरो छो तो वर्क डन ऑन द सिस्टम भी जीरो वर्क डन बाय द सिस्टम भी जीरो तो हाँ डेल्टा ई बराबर छा थी असा इनके छो था क्यों क्यू वी से छो तो इतने असा वॉल्यूम असा कॉन्स्टेंट रखो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम से हीट वॉल एब्जॉर्ब थी क्यू भी छो क्यों तो इतने असा वो क्यू क्यू वी प्लस जीरो तो डेल्टा ई विल बी इक्वल टू क्यू वी ठीक है यानी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक ठीक है इन मतलब इन मतलब जो इफ द प्रोसेस इज कैरीड आउट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम then वो छा थींदो heat evolved or absorbed by system छा बराबर थी वही heat evolved or absorbed by the system is equal to change in internal energy यानि delta E माना इन मतलब आ त हाँ इन सिस्टम की जो डेल्टा ई छे थी
या तो तुम इन में क्यू एड कर या तो इन में हीट बार कटो इन के डेल्टा ई छा चेंज थी जहाँ क्यू वी था चूँ इन ही साइन प्लस भी सहे थी माइनस भी सहे थी तो लिहाजा जैसे भी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम से प्रोसेस के कैरी ऑन क्यों को रिएक्शन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम से करायूँ तो इंटरनल चेंज होंगी क्यू डी वी की बराबर होंगी माना हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज अलो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वेन प्रोसेस इज कैरीड आउट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। नंबर टू आए एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट जैसे असं प्रोसेस करायूँ कॉन्स्टेंट प्रेशर से प्रोसेस करायूँ कॉन्स्टेंट प्रेशर से मोस्टली माना जैसे असं रिएक्शन करायूँ इफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एग्जाम्पल कहो इफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ओपन कंटेनर छो तो ओपन कंटेनर जो हों प्रेशर हों मत वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हों कॉन्स्टेंट हों ओपन कंटेनर में लेबॉरेटरी में केमिकल रिएक्शन कराइंदा आहियूं अक्सर तो उते प्रेशर जो हों अक्सर हों कॉन्स्टेंट हों जैसे प्रेशर कॉन्स्टेंट हों तो असा जो आसो कें कंदे हाँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अच्छा हाँ इन में असा जो इफ सम हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम जैसे सम हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम माना प्लस क्यू हुए एंड वर्क इज डन बाय सिस्टम छो तो अक्सर लेबॉरेटरी में जो आसो वर्क इज डन बाय द सिस्टम ओपन कंटेनर में ही माइनस डब्ल्यू आर माइनस पी डेल्टा वी देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इन कंडीशन ला क्या होंगे डेल्टा ई विल बी इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी क्यू माइनस पी डेल्टा वी इन क्यू के रिप्रेजेंट कहे क्यू पी से क्यू पी माना हीट इवॉल्व्ड आर एब्जॉर्ब्ड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर जो तो कंडीशन हाई आया कॉन्स्टेंट प्रेशर वाली तो क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी हाँ जैसे क्यू पी के असा कटूँ बाहर छो तो फोकस तो क्यू पी बराबर शायद थी क्यू पी बराबर थी डेल्टा ई हीट ट्रम हेडे प्लस में प्लस पी पी डेल्टा वी हाँ हि इक्वेशन थी वही मिसाल हि है इक्वेशन नंबर वन इतने असा न्यू ट्रम अस इंट्रोड्यूस कराइंदे दैट इज द एंथ्रोपी एंथ्रोपी जैसे असं रिप्रेजेंट क्या एच से हाँ व्हाट इज एंथ्रोपी एंथ्रोपी डिफाइन के क्यों मैथमेटिकली डिफाइन कहे एंथ्रोपी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ पी प्रेशर एंड वॉल्यूम यानी एंथ्रोपी एच बराबर चाहे थी ई प्लस पी वी तो असा दिसो तो हीट एब्जॉर्ब आर इवॉल्व्ड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर बराबर थी वही डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी इतने असा न्यू टर्म इंट्रोड्यूस कराइंदे एंथ्रोपी जो एंथ्रोपी है सम ऑफ इंटरनल एनर्जी सिस्टम जी एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम सिस्टम जो प्रेशर भी होंगे सिस्टम जो वॉल्यूम भी होंगे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी पाँच होंगी तो लिहाजा इन इन जो सम ई इंटरनल एनर्जी ए पी ए वी की प्रोडक्ट इन बिन्हीं टर्म्स जो सम इनके चवे दैट इज कॉल्ड द एंथ्रोपी इनके चाहे एंथ्रोपी यो तो अग में ही पढ़ी आयो एंथ्रोपी स्टेट फंक्शन वाली प्रॉपर्टी है एंथ्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी याद कर छो एंथ्रोपी स्टेट फंक्शन है एंथ्रोपी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अच्छा हाँ जैसे मैं चेंज इन एंथ्रोपी मालूम क्या छो तो एच जो एब्सोल्यूट वैल्यू जो सही खबर को पवी अस मोस्टली मेयर कह चेंज इन एंथ्रोपी ठीक है डेल्टा एच तो डेल्टा एच बराबर ही टर्म डेल्टा ई प्लस प्रेशर द कॉन्स्टेंट ऑफ पी ही शा थींदो डेल्टा वी माना ही जो डेल्टा एच बराबर बराबर थो डेल्टा एच बराबर थो डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी ही आए चेंज इन एंथ्रोपी ऑफ सिस्टम ही आए चेंज इन एंथ्रोपी ठीक है हाँ जैसे इन जो वैल्यू इन में पुट क्यों छो तो हि जो टर्म आ डेल्टा ई पी डेल्टा वी शायद बराबर है एंथ्रोपी के ये शायद बराबर है एंथ्रोपी के तो असं लिखी सकूँ था क्यू पी बराबर शायद थी क्यू पी बराबर थी असो ही सजो टर्म शायद थी डेल्टा एच के नाओ
ही आए कांस्टेंट प्रेशर ते रिलेशनशिप, यानि जेकने सिस्टम मुझे छाते कांस्टेंट प्रेशर ते तसा लिख सौंदा हीट एब्जॉर्ब्ड आर इवॉल्वड बाय द सिस्टम, शर्त यो आकेड़ो एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, शायद बराबर इक्वल टू चेंज इन एंथालपी ऑफ सिस्टम इन में ता एक कांसेप्ट एंथालपी जो अची वो एक्चुअली एंथालपी छा होंगी डेल्टा एच छा होंगी एंथालपी होंगी हीट इवॉल्व आर एब्जॉर्ब बाय सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, माना जेकॾहिं ईअं न हर कंडीशन में न सिस्टम या को भी केमिकल रिएक्शन जेकॾहिं हीट इवॉल्व करे थो या हीट एब्जॉर्ब करे थो कांस्टेंट प्रेशर ते, त उन हीट इवॉल्व ऐं एब्जॉर्ब कांस्टेंट प्रेशर वारे जो नालो छा आहे एंथालपी, उनखे चइबो आहे डेल्टा एच या चेंज इन एंथालपी, ठीकु आहे न। यानी असां वटि ॿ शयूं अची वियूं क्यू वी, हीट इवॉल्व आर एब्जॉर्ब कांस्टेंट वॉल्यूम छा बराबरि थी वई डेल्टा ई ते, डेल्टा ई जे बराबरि थी वई। क्यू पी छा बराबरि थी वई, क्यू पी बराबरि थी वई डेल्टा एच जे। त हीउ जेको आहे मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन्स इन कांस्टेंट वॉल्यूम, माना आइसोकोरिक प्रोसेस, ऐं कांस्टेंट प्रेशर खे असां छा चवंदा आहियूं आइसोबेरिक प्रोसेस चवंदा आहियूं, हिनखे असां चवंदा आहियूं आइसोबेरिक प्रोसेस, ठीकु आहे। त मोस्टली असां सिस्टम या कंहिं बि केमिकल रिएक्शन दौरान जेका हीट इवॉल्व ऐं एब्ज़ॉर्ब थींदी आहे उहो कांस्टेंट प्रेशर ते मेहर कंदा आहियूं, छो त कांस्टेंट प्रेशर ते एंथालपी टर्म मिलंदो आहे, ऐं एंथालपी टर्म जा एडवांटेजिस आहिनि कंहिंजे मथां हीट जे मथां, छो त हीट इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन, एंथालपी इज़ स्टेट फंक्शन। सिर्फ़ु उहा हीट जेका कांस्टेंट प्रेशर ते इवॉल्व ऐं एब्ज़ॉर्ब थिए उहा स्टेट फंक्शन आहे, ऐं स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी जो इहो फ़ाइदो हूंदो आहे त असां उनखे कैलकुलेट करण लाइ सिर्फ़ु कंसिडर कंदा आहियूं इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट। इन करे मोस्ट ऑफ द असांजे प्रोसेसिस में असां हीट टर्म घटि इस्तेमालु कंदा आहियूं, छा इस्तेमालु कंदा आहियूं एंथालपी हीट जी जॻह ते, ऐं उहा छा हूंदी आहे एक्चुअली हीट इवॉल्व आर एब्ज़ॉर्ब बाय सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। त इहो आहे जेको आहे सो फस्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।